के साथ सीमा विवाद पर राहुल गांधी के बेतुके सवालों का भाजपा ने जोरदार जवाब दिया है। भाजपा ने कांग्रेस की चीन और पाकिस्तान से संबंधित नीति की पोल खोल कर रख दी है। भाजपा के इस जवाब से कांग्रेस तिलमिला गई है। भाजपा ने किस तरह कांग्रेस की चीनी नीतियों का किया खुलासा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता चीन की भाषा बोलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह के सवाल किए हैं, उससे चीन का मनोबल बढ़ता है। भाजपा ने कांग्रेस के इन सवालों का ऐसा जवाब दिया जिससे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस चीन पर भ्रम फैला रही है, जबकि उनके शासनकाल के दौरान पाकिस्तान और चीन ने जम्मू कश्मीर की 78,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली थी। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से देश का नुकसान हो रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर ऐतिहासिक भूल की है। एक परिवार के मिस एडवेंचर के कारण देश को नुकसान पहुंचा है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का रुख चीन के प्रति नर्म क्यों था? देश कांग्रेस को खारिज कर चुका है और ये पार्टी चीन पर भ्रम फैलाने में जुटी है। संबित पात्रा ने साल 2012 में संसद में पाकिस्तान और चीन पर पूछे एक सवाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, यूपीए के शासनकाल के दौरान YS चौधरी ने संसद में एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि चीन और पाकिस्तान ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, क्या वो आगे बढ़कर और जमीन हड़प रहे हैं, सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं। इस पर तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जम्मू कश्मीर में कुल 78,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प रखी है। चीन ने जम्मू कश्मीर में 38 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत उसे 5,180 किलोमीटर जमीन दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी के इस जवाब के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है। कांग्रेस की सरकार के समय ही चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी स्वीकार किया था कि लद्दाख में चीन ने भारत से बेहतर संरचना बना रखी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अब तक अपने क्षेत्र में सड़क और संचार को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। आज जब भारत सरकार वहां रास्ता बना रही है तो चीन बौखला गया है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अपनी राजनीति चमकानी है, इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पहले कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए सबूत तैयार किए और अब चीन का मनोबल बढ़ा रहा है। कांग्रेस के पाप को धोने के लिए आज जब मोदी सरकार सीमा पर मजबूत स्थिति बना रही है तो कांग्रेस को बौखलाहट हो रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।